दोस्तों मेरे पास आज ट्रांसफार्मर है और दो ट्रांसफार्मर है, एक ओके है और एक फाल्टी ट्रांसफार्मर है। पहले ओके को हम चेक करेंगे, उसके बाद जो फाल्टी है उसको भी चेक करेंगे, कैसे हम कंफर्म करें कि हमारा ट्रांसफार्मर खराब है। दूसरा, अगर हमारे को कोई कंफ्यूजन हो जाए, फेसर हो कि 125 की टेपिंग कौन सी है और 200 वोल्ट की टेपिंग कौन सी है, तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा। ट्रांसफार्मर का पूरा टेस्टिंग प्रोसेस यहां पे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को। पहले मैं ओवरव्यू कर देता हूं दोस्तों। ये जो वायर है जो ट्रांसफार्मर के बिल्कुल अंदर वाली साइड से निकल के आती है, ये आपकी न्यूट्रल है, उससे थोड़ा बाहर वाली लेयर से निकल के आती है, उसकी बाहर जो परत होती है उस लेयर से निकल के आती है, वो 125 है, और जो बिल्कुल आउटर लेयर से निकलती है बिल्कुल बाहर वाली साइड से, वो 200 वोल्ट की टेपिंग होती है। ये जो मोटी वायरें होती हैं दोस्तों, इनमें से एक जो है आपका एक चैनल के ड्रेन पे कनेक्ट होती है, मोसफेट का जो ड्रेन होता है हीट सिंक उस पर कनेक्ट होती है, दूसरे मोसफेट के चैनल के ड्रेन पे कनेक्ट होती है। सेंटर वाली जो होती है सेंटर टेप, ये आपकी बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, 9.50 इनकी टेपिंग होती है। अलग अलग कंपनियां इनकी टेपिंग के अंदर थोड़ी वेरिएशन आ जाती है कि हमें रेगुलेशन कितनी रखनी है कि बैटरी हमारी डाउन हो जाए तब भी हमारे को वोल्टेज पूरी मिले, उसके हिसाब से इसकी वोल्टेज की रेगुलेशन के लिए यहां पे टेपिंग में थोड़ा सा वेरिएशन आप लोगों को मिल सकता है अलग अलग कंपनी के अंदर। अब चेक कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास वेरिएक है तो सबसे पहले आप जो है न्यूट्रल और ये जो रेड वाली वायर है या फिर जो बाहर से निकलती है जिसको हम 200 वोल्ट की टेपिंग बोलते हैं, उसपे वेरिएक से 200 वोल्ट करके आप इसपे कनेक्ट कर दें, तो उसपे जो सेंटर वाली है ये आपकी, इसपे 125 वोल्ट आपको मिल जाएगी, और सेकेंडरी साइड में इधर जो है आपका 9.50 आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप वेरिएक से चेक करें तो 125 वोल्ट और न्यूट्रल यहां पे कनेक्ट करके 200 वोल्ट यहां भी चेक कर सकते हैं, यहां आपको 200 वोल्ट मिलेगी और यहां पे 9.50 आपको यहां पे मिल जाएगी। और अगर आपके पास वेरिएक नहीं है तब भी आप चेक कर सकते हैं, उससे आपको जो है 220 या 30 जितनी वोल्टेज है वो आपको 200 वोल्ट वाली टेपिंग पे लगा दें, और यहां पे 125 की बजाय आपको 150 के आसपास यहां मिलेगी, और बाकी यहां पे भी थोड़ी वोल्टेज आपको ज्यादा करके यहां पे मिल जाएगी। तो मैं एग्जैक्ट आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूं। उसके लिए मेरे पास ये दोस्तों सीरीज अरेंजमेंट है, ये सीरीज का बल्ब है और इस सीरीज के बल्ब के थ्रू ही मैंने ये सीरीज अरेंजमेंट यहां पे बनाया हुआ है। ये देखिए सीरीज अरेंजमेंट है, ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो, इसके अंदर कोई वाइंडिंग शॉर्ट हो जाए तो ये सीरीज का बल्ब ग्लो हो जाएगा, बजाय कि कुछ पीछे हमारी एमसीबी वगैरह ट्रिप करे या कुछ वायरिंग में फॉल्ट आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो न्यूट्रल है वहां पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, और जहां पे आपका 200 वोल्ट है वहां पे मैं 200 वोल्ट कनेक्ट कर दूंगा। वेरिएक से मैंने 200 वोल्ट यहां पे किया हुआ है, मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करके भी यहां पे दिखा देता हूं। दोस्तों मल्टीमीटर को मैंने 80 वोल्ट के सिलेक्शन पे कर लिया है, 200 वोल्ट को मैंने सेट कर दिया है वेरिएक से, और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल और 200 वोल्ट वाली टेपिंग पे सीरीज के थ्रू। अब मैं यहां पे 200 वोल्ट पहले आपको दिखा देता हूं, यहां पे 200 वोल्ट ही है, ये देखिए 199.6 यानी कि 200 वोल्ट है। अब यहां पे 125 वोल्ट मिलनी चाहिए, 124.5 यानी कि 125 वोल्ट यहां पे मिल गई है, पूरी 200 वोल्ट होगी तो यहां पे आपको 200 वोल्ट पूरी मिल जाएगी। यहां पे हमने चेक कर लिया कि हमारा इस टाइप जो है बिल्कुल सही है, और सीरीज बल्ब हमारा जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है। 200 वोल्ट की टेपिंग पे 200 वोल्ट हमने दिया और सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसने करंट नहीं लिया है। और दूसरा जो है 125 की वोल्ट की जो टेपिंग है वहां पे 125 वोल्ट हमारे को मिल गई है। और अब यहां पे हम चेक कर लेंगे, यहां पे सेंटर टेप पे आप ब्लैक लगा लें या दूसरा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों तरफ अगर आप चेक करेंगे, देखिए 9.58 की बजाय 9.60 यानी कि ये दोनों तरफ की टेपिंग बिल्कुल 6 है, 9.50 9.5, ये ट्रांसफॉर्म हमारा बिल्कुल ठीक है। 125 वोल्ट करके मैं यहां पे 125 वोल्ट भी कनेक्ट कर सकता हूं और 200 वोल्ट यहां पे चेक कर सकता हूं, लेकिन अगर 125 वोल्ट की टेपिंग पे 200 या 250 वोल्ट यहां पे कनेक्ट करूंगा तो यहां पे सीरीज का बल्ब थोड़ा सा ग्लो होगा। मैं यहां पे दिखा भी देता हूं आपको, ये देखिए अगर मैं अभी, ये देखिए 125 वोल्ट की जो टेपिंग है वहां पे अगर मैं 200 वोल्ट कनेक्ट करूंगा तो सीरीज बल्ब जो है थोड़ा सा ग्लो करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने जो उसकी रेटिंग थी, जो उसकी वोल्टेज की टेपिंग थी, उससे ज्यादा वोल्टेज वहां पे कनेक्ट कर दिए, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि करंट ये ड्रॉ करेगा। अगर 125 वोल्ट में सेट कर दूंगा तो ये करंट आपका यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेगा।
देखते हैं कितना अभी यहाँ पे, अभी भी 148 है। वन ट्वेंटी वन यानी कि अभी जो है 125 वोल्ट के आसपास यहाँ पे हमारा टेपिंग हो गई है। 125 की बजाय 128 है अभी, तो यहाँ पे आपको 200 वोल्ट मिलेगी, 200 से ज्यादा मिलेगी, क्योंकि 125 से ज्यादा हमने इनपुट यहाँ पे दिए हैं। ये देखिए 206 के आसपास मिली है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 9.50 ही मिलेगी, 9.8 यहाँ पे है क्योंकि वोल्टेज थोड़ी सी ज्यादा है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर ओके है। अब एक जो है फॉल्टी ट्रांसफार्मर है उसको भी हम लेके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर को आप एसी पे ही रखें। हमने जो टेपिंग थी 125 वोल्ट यहाँ पे सेट की थी, अभी भी 125 वोल्ट पे है, और ये ट्रांसफार्मर मेरे पास जो है ये खराब ट्रांसफार्मर है। दोस्तों 125 वोल्ट की टेपिंग को अगर मैं 125 वोल्ट पे ही कनेक्ट करूं तो सीरीज बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीरीज बल्ब जो है वो ग्लो हो गया है। मतलब कि ये जो है 125 वोल्ट की टेपिंग यहाँ पे करंट ड्रॉ कर रही है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप वहां हो रही है और वो आपका सीरीज बल्ब ग्लो हो गया है। और 125 वोल्ट की जो टेपिंग है, 125 वोल्ट हमने ये ली है इनपुट सप्लाई, इसको अगर मैं 200 वोल्ट की टेपिंग पे कनेक्ट करूं तो उस केस में तो बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है पूरा। ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करके यहाँ पे चेक करूंगा तो आपको वोल्टेज भी यहाँ पे नहीं मिलेगी। मैं इसको कनेक्ट करके आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। अभी 125 वोल्ट की टेपिंग पे मैंने लगाया है और मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ। यहाँ पे कोई वोल्टेज ही दिखा नहीं रहा है, 0.3 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, जो कि हमारे को 9.5 के आसपास मिलनी चाहिए। और यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूंगा तो ये आपका जो है 200 वोल्ट की टेपिंग पे भी कोई वोल्टेज यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है। देखिए कोई वोल्टेज ही दिखा नहीं रहा है, 0.6 वोल्टेज दिखा रहा है ये, यानी कि जो है ये आपका इसकी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट है। कभी मौका लगेगा तो इसको हम निकाल के और रिवाइंड करके भी आप लोगों को दिखा। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अरेंजमेंट और लगा दिया है, सीरीज वाले को हटा दिया है। सीरीज की बजाय न्यूट्रल और लाइन दोनों को मैंने डायरेक्ट वेरियक से कनेक्ट कर दिया है। और एम्पीयर मेजर करने के लिए क्लैंप मीटर को मैंने एसी पे करके इनपुट पे कनेक्ट कर दिया है। वोल्टेज चेक करने के लिए इसको एसी वोल्ट पे कर दिया है। और अब ये जो खराब वाला है इसको मैंने कनेक्ट किया है। वेरियक को मैंने बिल्कुल जीरो पे कर दिया है। अभी मैं ऑन करता हूं। ऑन करने के बाद जो है हम यहाँ पे जो है महसूस करेंगे कि आपका जो एम्पेयर है वो आपका धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाएगा जब मैं वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ाऊंगा। अभी वोल्टेज जीरो है। न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट मैंने 200 वोल्ट की टेपिंग पे यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब मैं धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप इधर देखेंगे आपको यहाँ पे वोल्टेज आपको एम्पेयर सॉरी नजर आएगा। 1 एम्पेयर के आसपास अभी लेना स्टार्ट किया इसने, अभी वोल्टेज कम ही है। 1.6 एम्पेयर, 2.4 एम्पेयर, ये देखिए इनपुट पे एम्पेयर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ नो लोड पे भी ये इनपुट से करंट जो है ड्रॉ कर रहा है। कोई भी इस पे लोड कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है। अब देखिए अभी वो वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ कि वोल्टेज कितनी अभी आई है हमारे पास। 117 वोल्ट मैंने कनेक्ट किया है 200 वोल्ट की टेपिंग पे और ये 3.6 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है। मैं थोड़ी सी और राइज करता हूं और कुछ देर के बाद यहां से ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हीट होने के बाद यहां पे हो सकता है हमें स्मेल भी महसूस होगी और आपका ये जो है यहां पे धुआं भी आपको नजर आने लगेगा अगर आपका ये ज्यादा लेवल तक खराब है तो। यहां पे अगर आप महसूस करेंगे तो हो सकता है मैं आप लोगों को दिखा पाऊं। यहां पे वन वोल्ट मैंने कनेक्ट किया है 200 वोल्ट की टेपिंग पे। ज्यादा तो अभी मैं कनेक्ट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि करंट जो है ज्यादा ड्रो करेगा। यहाँ पे मेरा वेरिक 10 एम्पेयर का ही है, हो सकता है वेरिक में दिक्कत ना आ जाए। अभी देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा यहाँ पे धुआं। देखिए मैं बैक साइड में हाथ से लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। अभी देखिए ये खराब हो गया है। 3.4 एम्पेयर अभी ड्रो कर रहा है 135-140 वोल्ट पे ही और ये यहाँ पे धुआं निकलना इसके अंदर से स्टार्ट हो गया है। ये बिल्कुल खराब है। दोस्तों सेम सेटअप मैंने जो हमारा ट्रांसफार्मर ओके था उस पर लगा दिया है। न्यूट्रल और लाइन जो है डायरेक्ट मैंने 200 वोल्ट की टेपिंग पे कनेक्ट कर दिया है सीरीज की बजाय डायरेक्ट इनपुट से।
करंट के लिए मैंने एम्पेयर मीटर ये आपका लगा दिया है, क्लैंप मीटर, और वोल्टेज के लिए ये आपका मल्टीमीटर। वोल्टेज को मैं धीरे धीरे राइज करता हूँ, कोई भी एम्पेयर ये ले नहीं रहा है। देखिए क्लैंप मीटर की तरफ आप देखें, दो सौ वोल्ट पे मैं लेके गया हूँ अभी, लेकिन एम्पेयर मीटर पे कोई भी एम्पेयर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे हीट होके खराब नहीं होगा। मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ अभी, कितनी वोल्टेज है, 228, 227-228 के आसपास इनपुट सप्लाई है। और इधर आप चेक करेंगे तो जो आपने पहले चेक किया था वैसे ही मिलेगा आप लोगों को। ये वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए हमारे को 9.5 से ज़्यादा 10.5 या 11 के आसपास मिल रहा है यहाँ पे। अब आप ये भी कन्फर्म कर सकते हैं कि आपकी जो टेपिंग है उसको भी कन्फर्म कर सकते हैं, कोशिश करें कि 130-140 के आसपास आप सप्लाई कनेक्ट करें। ये भी 140 है, यहाँ पे 140 हमने कनेक्ट की, और दूसरी पे अगर हमारे को कम मिलती है, अभी 87-86 मिली है, तो इसका मतलब ये चार्जिंग की है। इससे क्या होगा कि गलती से अगर हमारा 200 वोल्ट या 200 से ज्यादा वोल्ट 125 पे मिलेगा तो वो करंट यहाँ पे लेना स्टार्ट करेगा। तो हम चाहते हैं कि सेफ मोड में हम चेक करें, तो अब यहाँ पे 125 भी कनेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो भी एम्पियर मीटर पे जो है आपका करंट नहीं ले रहा है, और आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अभी 139 वोल्ट हमने 125 पे कनेक्ट की है। अगर ये बची हुई टेपिंग अगर ज्यादा वोल्टेज दिखाती है तो इसका मतलब ये 200 वोल्ट वाली टेपिंग है। देखिए 223 दिखाया इसने, 140 हमने कनेक्ट किया, 200 दिखाया, बढ़ा के दिखाया, तो मतलब ये टेपिंग जो है आपकी 200 वोल्ट की है, ये 125 वोल्ट की टेपिंग है। तो 130 के आसपास या 140 के आसपास कनेक्ट करके आप कन्फर्म कर सकते हैं टेपिंग कौन सी हमारी 125 या 200 वोल्ट की है। अभी हमारा ट्रांसफार्मर ठीक था इसलिए इसने एम्पियर यहाँ पे लिया नहीं, और बाकी इसकी वर्किंग भी यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं अगर आपके पास सीरीज भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि एकदम से इसको राइज ना करें, क्योंकि एकदम से अगर आपने एम्पियर राइज किया तो हो सकता है आपका पीछे एमसीबी या वेरिएक या और कोई चीज यहाँ पे खराब हो जाए। बिल्कुल धीरे धीरे कोशिश करें कि दो दो तीन तीन वोल्टेज करके अगर आपको चेक करेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेगा। सीरीज जो है वो सबसे बेस्ट रहता है, सीरीज ही अरेंजमेंट आप अपने सेटअप पे लगाएं, क्योंकि ये काफी रिस्की होता है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हीट होके यहाँ पे ये बर्न होता है, और एम्पेयर का इसका दिखाने के लिए, बाकी आप सीरीज में करेंगे तो बिल्कुल सेफ रहता है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप बिल्कुल कोशिश ना करें।